सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं विकास गुप्ता, आरबीपी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीपी डेयरी फार्म में कौन कौन सी बछिया बिकाऊ है, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट्स आया था कि भाई आरबीपी डेयरी फार्म में कोई बछिया है तो बताइए, उस पर वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो में आरबीपी डेयरी फार्म के जितने भी बछिया हैं उन सभी के बारे में बताने वाले हैं, उनका क्या प्राइस है ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, और इन बछिया का माँ कौन है ये सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो सबसे पहले एक आरबीपी डेयरी फार्म में ये बछिया हैं जो कि इसका अप्रॉक्स 19 से 20 मंथ हो चुका होगा, जो कि ये हाल में ही प्रेग्नेंट भी हुई है, सीमन भी इसे डाला गया है 1 मंथ के अंदर। तो ये बछिया यहीं की प्रॉपर अपने ही डेयरी फार्म की है, जो कि इसे भी सीमन डाल दिया गया हुआ है। और इसकी माँ की बात की जाए तो इसकी माँ को भी अभी दिखाएंगे, और अभी सेल के लिए छोटा सा कौन बछिया है अभी छोटे छोटे भी दिखाएंगे बछिए को। तो ये तो है बड़ी वाली बछिया, जो कि ये अब सेल ना के बराबर ही होने वाली है, जो कि इसकी तो ऑलरेडी सीमन डाल दिया गया हुआ है। ये आफ्टर 9 मंथ अपने बच्चे को जन्म देगी। और नेक्स्ट इन बछिया को देख रहे हैं, जो कि ये भी अपने ही डेयरी फार्म की बछिया है, जो कि इसे भी पाल पोस कर बड़ा किया गया हुआ है, इस बार अपने बच्चे को जन्म दी है। इसका क्या मिल्किंग है ये सब सारा वीडियो एक सेपरेट बनाया हुआ है इस पर, और ये प्रेग्नेंट से पहले इसे क्या क्या खिलाया जाता था ताकि मिल्किंग उससे बढ़े, ये सारा कुछ वीडियो आईटैब पे आपको दिखने को मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये भी बछिया अपने ही डेयरी फार्म की है। और थर्ड ये आपको देख रही है, ये भी बछिया अपने ही डेयरी फार्म की है। ये इसका सेकेंड लैक्टेशन है जो कि ये बछिया का, और इसका फर्स्ट लैक्टेशन है। ये दोनों अपने ही डेयरी फार्म की ही बछिया हैं। ये बच्चे की फर्स्ट लैक्टेशन है, फर्स्ट बार अपने बच्चे को जन्म दी है। इसकी बच्चे की बात की जाए तो ये सारा कुछ दिखाया गया था। अब थर्ड बछिया को दिखाते हैं जो सेल के लिए है। थर्ड ये तीनों बछिया ही है। अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया हुआ है, वहाँ से कॉल करके बात कर सकते हैं इसकी प्राइस के ऊपर, क्योंकि अभी इसका प्राइस डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग वीडियो आज देखेंगे, बहुत लोग 6 महीना के बाद देखेंगे, बहुत लोग साल भर बाद देखेंगे, 1 साल 1 साल के बाद देखेंगे। तो ऐसे अभी प्राइस डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो आप कॉन्टेक्ट करके जो भी वो बात कर सकते हैं। और थर्ड ये बछिया है, इसकी माँ भी यही है। देख रहे हैं दोनों के माथे पे एक सिंबल बना हुआ है, दोनों के हेड पे एक सिंबल बना हुआ है। तो इसकी माँ ये है, जो कि ये भी अभी प्रेग्नेंट है, जो कि इसकी बच्चिया इतनी बड़ी 15 से 16 17 मंथ की, ये भी 16 17 मंथ की होगी, एग्जैक्ट हमें कंफर्म नहीं है। तो इसकी बच्चिया ये है, तो ये भी सेल के लिए है। इसका भी प्राइस आप कॉन्टेक्ट पे ही डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बताना। और इसकी माँ की बात की जाए तो अभी ये प्रेग्नेंट है। इसकी माँ की मिल्किंग की बात की जाए तो 16 से 20 लीटर के अंदर इसकी मिल्किंग होती है। तो ये रही इसकी माँ। और सेकेंड इन बच्चे को, बच्चे की माँ बोल के बात की जाए तो ये तीनों बछिया ही है, तो इनकी माँ जो फर्स्ट सेकेंड अभी दिखाए हैं उधर, फर्स्ट लैक्टेशन और सेकेंड लैक्टेशन वाली पशु की उसकी बच्चे हैं, और एक और उधर पशु है उसकी बच्चे है। तो ये है आरबीपी डेयरी फार्म में इतने जो बछिया है अभी ऑलरेडी इस सेटअप पे। ऐसे 2 सेटअप और हैं, वहाँ का भी वीडियो कवर करेंगे। तो इस सेटअप पे ये 3 बछिया है। आप कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।